बिहार के सिवान में एक कोचिंग टीचर ने मर्यादाओं को तार तार कर दिया। उसने कोचिंग में पढ़ने आई छात्रा को प्रपोज किया। कोचिंग टीचर ने अपने स्टूडेंट से कहा आई लव यू, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसका अंदाजा टीचर को नहीं था। लोगों ने न सिर्फ उसे जमकर पीटा बल्कि बीच सड़क पर कान पकड़कर उठक बैठक भी कराई। इसका वीडियो भी वायरल हो गया। सिवान से एक शिक्षक का उठक बैठक लगाते वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उठक बैठक कर रहा शिक्षक कोचिंग में पढ़ाता है, जिसके बारे में ये शिकायत थी कि वह छात्राओं के साथ गंदी हरकत करता था। लेकिन सबसे बड़ी गलती उसने तब कर दी जब एक छात्रा को प्रपोज कर दिया। कोचिंग के शिक्षक ने छात्रा को आई लव यू बोला। जब लड़की ने इसका विरोध किया तो शिक्षक ने उसके साथ छेड़खानी भी की। वाकया सिवान जिले के महाराजगंज इलाके का है। रसिक टीचर को पकड़कर लोगों द्वारा पिटाई करने का वीडियो पूरे जिले में वायरल हो गया। वीडियो में कोचिंग टीचर उठक बैठक करते हुए माफी मांगता दिख रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहे शिक्षक की पहचान महाराजगंज थाना क्षेत्र के गौर गांव के रहने वाले सत्येंद्र प्रसाद के रूप में हुई है। लोगों ने सत्येंद्र प्रसाद की जमकर खबर ली। स्थानीय लोगों ने बताया कि सत्येंद्र प्रसाद महाराजगंज में कई जगहों पर इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं के कोचिंग संस्थानों में पढ़ाता है। सत्येंद्र प्रसाद अक्सर कोचिंग में पढ़ने आने वाली छात्राओं के साथ छेड़खानी करता था। हाल ही में उसने कोचिंग में पढ़ने वाली एक छात्रा से अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसने लड़की को आई लव यू बोल दिया। टीचर के इस व्यवहार को देखकर छात्रा हैरान रह गई। उसने टीचर के प्रस्ताव को तुरंत नकार दिया। छात्रा ने टीचर के व्यवहार का विरोध भी किया। छात्रा का कहना है कि विरोध करने पर शिक्षक ने उसके साथ छेड़खानी की। टीचर के व्यवहार से परेशान लड़की ने उसकी गंदी हरकत की जानकारी अपने परिवार के लोगों को दी। इससे पूरा परिवार नाराज हो उठा। उन लोगों ने शिक्षक को सबक सिखाने की सोची। आरोपी शिक्षक कोचिंग से वापस लौट रहा था तो लड़की के परिजनों और स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया। नाराज लोगों ने टीचर की पिटाई की और बीच सड़क पर मुर्गा बनाकर उसे उठक बैठक कराई। इसका वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि मामले की कोई शिकायत पुलिस में नहीं की गई है। महाराजगंज थानाध्यक्ष रणधीर कुमार ने बताया कि वीडियो वायरल की जानकारी उन्हें मिली है, लेकिन अभी तक दोनों तरफ से कोई आवेदन नहीं मिला है। फिर भी पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है।